आइए मैं निवेदन करता हूँ, दो चार पंक्तियाँ मेरे मन की पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत स्वागत है। बाद में आपके मन की बात भी करूँगा, होली की हुड़दंग है साहब। निवेदन करता हूँ, चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुन लेना। कि प्यार से बुलाया है तो प्यार लेके आया हूँ, कविता में अपने विचार लेके आया हूँ। क्या कहने, प्यार से बुलाया है तो प्यार लेके आया हूँ, कविता में अपने विचार लेके आया हूँ। आपका आशीष मिले, मन चाहे फीस मिले, समस्याएं एक नहीं चार लेके आया हूँ। और पेमेंट में थोड़ा मेरा ध्यान रख लेना, आप किराए के पैसे उधार लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे लोग हैं आप। लेकिन भाई साहब आपकी ताली वाली कमजोर आ रही है थोड़ी, एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक ताली बजा करके मुझे हौसला दे, ताकि मुझे लगे कि मैं हाँ बकानी के जीवित श्रोताओं में काव्य पाठ कर रहा हूँ। ऐसा है भरत भाई, ये बकानी के लोग हैं, तालियां बजाने में कम, कवि को बजाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों पर, मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। आपको ज्यादा कोई माथा फोड़ी करने की बात नहीं करूंगा, मैं 10-12 मिनट आपके बीच में टिकने की कोशिश करूंगा। बेटा बैठ जा, पानी वानी ले आया तू, तेरे को भेजा था इसने, कुछ मिला के तो नहीं लाया इसमें। तो भाई साहब मैं चार पंक्तियां और अपने मन की पढ़ता हूँ, फिर अपनी औकात पे आता हूँ। हमने यहाँ पर पुलिस का बहुत बढ़िया सम्मान किया, आपने पुलिस को यहाँ पर बिठाया, मंच पर उनका सम्मान किया है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं राजस्थान के, सबका सम्मान करना चाहते हैं। वरना हमारे मध्य प्रदेश में तो ये व्यवस्था है साहब कि 100 लगाओ पुलिस बुलाओ, हम 100 लगाते हैं पुलिस आ जाती है, 100 का दे देते हैं तो फिर चली जाती है। बहुत बढ़िया, ये स्थिति हो गई साहब। आइए मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि ताली वाली सब बजाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। कि बच्चे भी बजाएंगे, बड़े भी बजाएंगे, नौजवान साथी मेरे संग झूम जाएंगे। क्या कहने, बच्चे भी बजाएंगे, बड़े भी बजाएंगे, नौजवान साथी मेरे संग झूम जाएंगे। रात रात जाग लिख लाया हूँ कविता, ऐसे कैसे आप अपने घर भाग जाएंगे। और सुन लोगे अगर तुम भरत की कविताएं, कुंवरों के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साहब। अच्छा अनिल जी, मैं तो अक्सर हिंदुस्तानी, और हम दोनों ने जैसे ही इस गांव में प्रवेश किया, मुझे कुछ बच्चे गाय भैंस चराते हुए मिले। मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने कहा बेटा तेरी भैंस दूध देती है? बोले नहीं अंकल जी, निकालना पड़ता है। अरे मैंने कहा यार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार बकानी के। मैंने दूसरे से पूछ लिया, मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोले अभी तो पिताजी कुंवारे हैं। क्या कहने, अरे मैंने कहा ये और उस्ताद है साहब आदरणीय। तीसरे को मैंने राय दी, मैंने कहा बेटा तुम दिन भर गाय भैंस चराते हो, सुबह शाम एक एक गिलास भैंस का दूध पी लिया करो, ये इस ब्राह्मण का आशीर्वाद है कि तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। लड़का बोला अंकल जी, भैंस का दूध पीने से अगर कोई बड़ा आदमी बनता तो इसका पाड़ा IPS अधिकारी होता। क्या कहने साहब, क्या करे तो करे क्या, हम सुधारने का काम करते हैं लेकिन बच्चे सुधरने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा आपने बुजुर्गों का सम्मान किया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं कि आपने, जो धरोहर है बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, हमारे वट वृक्ष हैं, आपने उनका सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार उन बुजुर्गों के सम्मान में पूरा सदन तालियां। क्या कहने, वाह 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 वाह। और बुजुर्गों से याद आया, मैं तो बस में बैठकर यहाँ तक का सफर तय किया। एक आपकी उम्र के दादाजी मेरे पास में फंसे पड़े थे, अब वो काफी देर मेरे से बातचीत करते रहिए। बोले बेटा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये हो। फिर उनने पूछा, बोले बेटा तुम कौन सी जाति के हो? मैंने कहा दादाजी मैं ब्राह्मण हूँ। बोले यार ये ब्राह्मण काय में आते हैं? मैंने कहा पैसे वाले हो तो कार में आते हैं, नहीं तो बस में ही धक्के खाते हैं। ये 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 ये
अच्छा आइए, मैं निवेदन करता हूँ साहब, मैं कुछ पंक्तियाँ फिर निवेदन करता हूँ, फिर आपको हास्य की तरफ ले चलता हूँ। होली का कवि सम्मेलन है, होली महोत्सव है, मैं आप सबको और ये हिंदू मुस्लिम एकता का मंच है, मैं आप सभी को राम राम करते हुए कुछ पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। स्वागत स्वागत भैया स्वागत। कि सबको मेरी राम राम रखे खुश तुमको भगवान, सबको मेरी राम राम रखे खुश तुमको भगवान, खुश रखे भगवान तुम्हारे सिद्ध होए सब काम, सबको मेरी राम राम रखे खुश तुमको भगवान। कि जितने भी यहाँ कवि बुलाए एक से एक है भारी, क्या कहने, जितने भी यहाँ कवि बुलाए एक से एक है भारी, कोई बिचारा घर का सताया कोई ब्रह्मचारी, उड़ गए सर के इनके बाल, उड़ गए सर के इनके बाल, सबको मेरी राम राम। कि एक कवि सम्मेलन में हो गई मेरी पिटाई, अच्छा पिटाई मेरी हो ना, मजे आपको आए और वो भी क्यों हुई, अच्छा क्या हुआ, पिछले दिनों अभी कवि सम्मेलन में गए आपसे, यहाँ पर डबल भीड़ थी, वहाँ पर मैं आगे आगे, मेरे पीछे पीछे कवियत्री, भीड़ में से किसी ने मेरे को जीजा जी बोल दिया। वाह भगवान कसम, उस दिन काव्य पाठ में मन ही नहीं लगा। और यहाँ पर जो बैठी कवित्रियाँ इतनी इंटेलिजेंट है कि अभी कुछ दिन पहले निर्मल दरबार में चली गई, बोले बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं टिकता। निर्मल बाबा बोले तुम जहाँ कहीं भी कवि सम्मेलन में जाओ वहाँ के दो चार लड़कों को अपने नंबर दे देना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वाह 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 वाह। तो एक कवि सम्मेलन में हो गई मेरी पिटाई, क्या कहने, कवियत्री को छेड़ दिया और आ गया उसका भाई, पकड़े उस दिन से दो कान, सबको मेरी राम राम, पकड़े उस दिन से दो कान, सबको मेरी राम राम। अच्छा भाई साहब एक बात बताता हूँ आपको, ये किसका है यार, ये किसकी चिल्लर है, इसको अपने पास रखो, संभाल के रखो, ये कल काम आएगा, आपके बुढ़ापे का सहारा सहारा है इसको। क्या कहने, अच्छा क्या हुआ साहब, मैं तो क्या है कि बहुत गरीब आदमी हूँ, ये तो ढंग ढंग के कपड़े पहन लेता हूँ तो लोग मेरे को पैसे वाला समझते हैं। अभी सोयत बस स्टैंड पर खड़ा एक भिखारी आया, बोले बाबू जी 10 रुपये दो चाय नाश्ता करूँगा, मैं इनकी पैसे ही नहीं है, किराए के पैसे ही अनिल जी ने दिए हैं। वो बोले कि चल मेरे साथ दिन भर भीख मांगना, शाम तक के 300 दूंगा। ये हालात है साहब। तब मैं दो पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, कि कर्जे में डूबा हूँ फिर भी देखो सूट सफारी, कर्जे में डूबा हूँ फिर भी देखो सूट सफारी, 6 महीने से ढूंढ रहा है कपड़े का व्यापारी, करके बंद अपनी दुकान, सबको मेरी राम राम। और दो पंक्तियां निवेदन करता हूँ साहब इस देश के नाम, आजकल देश में बहुत सारी गड़बड़े चल रही है, लेकिन मैं अपन उस गड़बड़ की तरफ काहे को ध्यान दो, अपन अपना काम करो। कि अपनों ने अपनों को लूटा बदमाशों ने देश, अपनों ने अपनों को लूटा बदमाशों ने देश, गंगा गीता झूठी पड़ गई अब क्या रह गया शेष, मंदिर सुने सुबह हो शाम, सबको मेरी राम राम, मंदिर सुने सुबह हो शाम, मेरी राम राम। आप तो ऐसे डूब गए है जैसे मैं कोई सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूँ और प्रसाद बटने वाली है। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की प्रथम अध्याय समाप्त, वगैरह ढक के रख दो, इन पे मक्खियाँ मच्छर बैठेगी, अभी कोरोना की रिस्क चल रही है साहब, आप सब चीजें ढक के रखो। मेरी पत्नी कहने लगी, बोले कि वो क्या है कि ये कोरोना वायरस क्या होता है, तो मैंने उसको बिठा के समझाया, तो बोले क्या अपन सब मर जाएंगे, मैंने कि मरने से इतना क्यों डरती हो, मरना होगा तो मर जाएंगे, इतनी चिंता करने
घबराने की कोई बात नहीं। बोले मैं तो चिंता इसलिए कर रही हूँ कि आप कह रहे हो कि कोरोना से सब मर जाएंगे, पर जो आखिरी में मरेगा उसको शमशान में कौन ले जाएगा। क्या बात है भरत भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, नारी शक्ति यहाँ पर विराजमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। नारी को शक्ति का प्रतीक कहते हैं, पुरुष को सहन शक्ति का प्रतीक कहते हैं। अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब मेरे को चेन्नई जाना हुआ कवि सम्मेलन में। मैं चेन्नई गया, 7 दिन में घर आया। जैसे ही घर आया मैंने बैग रखा, मेरी बेटियां आकर के मुझसे लिपट गई। बोले पापा आप घर में नहीं होते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने में मेरी इकलौती धर्म पत्नी आई। इकलौती इकलौती कहने लगी, सच बताऊं जब आप घर में नहीं होते हो तो घर खाने को दौड़ता है। मैंने कहा जब मैं घर में रहता हूं तो तुम मुझे खाने को दौड़ती। वाह 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 वाह।